हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए कंप्यूटर का जो सेशन है आगे बढ़ाते हैं। और पिछले क्लासेस में लगभग 990 क्वेश्चन मैं कवर करा चुका है, तो हम आज 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन यहां पे आज कर चुके होंगे। तो अभी तक के जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, तो अभी तक के जो रिकॉर्ड है आपका, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के कराया गया है। या आपके लगभग सभी एग्जाम को कवर कराया गया, जैसे आपका व्यापम को, पटवारी हो गया, छात्रावास अधीक्षक, लगभग कंप्यूटर के जो सिलेबस में लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का आप SBI PO वगैरह के क्लर्क वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, तो लगभग उस एग्जाम को यहाँ पर भी कवर कराएगा। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा, स्टेट में भी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के, लगभग क्वेश्चन जो आपका लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। साथ ही साथ मैं हिस्ट्री आपको, जो भारत का जो हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री, आधुनिक और आपका प्राचीन, मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। आपको कंप्लीट यहाँ पे आधुनिक मैंने पहले से ख़त्म कर दिया है, अभी एंशियंट भी आपका ख़त्म होने वाला है, इसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री में आ जाएंगे। तो कंप्लीट आपको हिस्ट्री कराया जा रहा है, उसके बाद हम देखेंगे नया सिलेबस, या तो भारत का बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, या तो भारत के भूगोल को हम स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक। यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे वैकेंसी कब आएगी, कब आएगी, वैकेंसी कभी भी आ सकती है। साथ ही साथ उसके साथ आपका डेट भी आएगा, तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, कम से कम जो सिलेबस है पढ़ के उसको रिवाइज़ करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आप एक ही एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम का जो सिलेबस लगभग सेमी रहता है, तो पढ़ा हुआ आपको लगभग सभी एग्जाम, वो आपका जो GS का सेक्शन होता है लगभग सभी एग्जाम में आता है, और आपको जो मैथ्स रीजनिंग वगैरह हो गया, GK GS लगभग सभी एग्जाम में कंपलसरी रहता है। तो लगभग ऐसा नहीं है मतलब कभी काम आएगा, मतलब छात्रावास अधीक्षक के लिए काम आएगा नहीं, लगभग सभी एग्जाम के लिए काम आता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो कभी भी आ सकती है, ऐसा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 90 क्वेश्चन तक कवर करा चुका हूँ। जब PC पर हम किसी भी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, जैसे आपका जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, तो इसमें हम किसी भी डॉक्यूमेंट का जैसे हम कार्य करते हैं, उस समय डॉक्यूमेंट को अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है, अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर, इसको डाटा को स्टोर किया जाता है, रैम में, CD-ROM में, CPU में, या आपका रोम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हम उसको कहाँ पर रखते हैं, हम उसको रैम में रखते हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है जी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोला जाता है। तो आपका हम जो PC में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट वगैरह रहता है, तो उस पर कार्य करते हैं, तो डॉक्यूमेंट को अस्थायी रूप से आपके रैम इसको स्टोर किया जाता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। CPU का कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और ये आपके खास करके कंप्यूटर के, या तो इसको ब्रेन बोला जाता है, या तो कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है, आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है कंप्यूटर के। रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है रोम को। तो इसका यहाँ से इसका फुल फॉर्म अधिकतर पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जैसे मैं कराया था, तो वहाँ भी आपको इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है, इनमें से कौन से प्रोग्राम को चित्र के रूप में जो प्रदर्शन क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट, हल चार्ट, आपका मिक्स चार्ट, या आपका चार्ट कहलाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, या आपका फ्लो चार्ट कहलाता है, याद रखिएगा। कंप्यूटर भाषा में इसको फ्लो चार्ट कहलाता है, प्रोग्राम के जो चित्र में जो प्रदर्शन जो क्रिया होती है आपका फ्लो चार्ट कहलाती है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा, इनमें से जो चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सी जो आपका जो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा जो क्या, जो वैज्ञानिक होते हैं जो कंप्यूटर डिज़ाइन करते हैं, असेंबल करते हैं, लोग बनाते हैं, तो एक तरह के उसमें कंप्यूटर भाषा, जैसे जो कंप्यूटर में जो भाषा होता है वो आपके कोडिंग रहते हैं, जैसे बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर इंजन वगैरह रहते हैं, तो उन लोग यहाँ पे जो कोडिंग से बनाए रहते हैं वही सॉफ्टवेयर हम आज यूज कर पाते हैं। तो ये बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, ये खास करके उन लोग कोडिंग सिखाया जाता है, उनका सिलेबस ही अलग रहता है, तो कोडिंग से उन लोग बनाए रहते हैं। तो वही तरह आपका जो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा आपका कौन सा है, तो बेसिक भाषा फोर्ट्रान, कोबोल, या पास्कल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फोर्ट्रान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये आपका एक तरह का वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा इसको कहलाता है, इसको याद रखिएगा। तो खास करके कंप्यूटर को जो इसे बनाया जाता है, असेंबल किया जाता है, तो इस तरह इसमें इस भाषा का उपयोग किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से विंडोज एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए कौन सी
की का इस्तेमाल किया जाता है, F1 का, F2 का, F3 का, F6 का, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा F6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन याद रखिएगा। तो F6 का जो आपका जो एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए आपके इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखें जो आपका F1 से लेकर F12 तक की आपके ये वाला जो आपका जो की होता है, तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके जो ये आपका जो जो की है आपका कितने ये आपका होता है, तो ये आपका 12 इसमें ये आपका ये वाला की रहता है F1 से लेकर F12 तक के, तो इसको याद रखिए, ये भी की आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से विंडो 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था, 2012 में, 2014 में, 2015 में या 2013 में, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए विंडो की जितने भी सॉफ्टवेयर हैं कौन से कंपनी के द्वारा किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको तैयार किया जाता है, याद रखिएगा। तो विंडो 10 या किस वर्ष से लॉन्च किया था, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, किस नाम से इसको लॉन्च किया गया था, तो ये आपका विंडो NT के नाम से इसको, विंडो NT ऐसे करके इसको नाम दिया गया था, तो विंडो NT के नाम से इसको लॉन्च किया था, कौन से सन में, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पे बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आप सुने होंगे अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है, इसका जो हेडक्वार्टर आपके वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, साथ ही साथ आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट भी बनाती है, और साथ ही साथ इसकी जो स्थापना कब किया था, तो आपके 4 अप्रैल 1975 में इसकी स्थापना किया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। और इसके संस्थापक कौन हैं, इसके संस्थापक आपका बिल गेट्स, नाम सुने होंगे, बिल गेट्स इसके संस्थापक हैं, उनके जो सहयोगी पॉल एलन, तो इन दोनों को याद रखें, कभी एग्जाम में जैसे ऑप्शन में बिल गेट्स दे दिया तो आपको बिल गेट्स लेना है, साथ में पॉल एलन दिया है तो आपको दोनों का ऑप्शन रहेगा, तो आपको दोनों को लेना पड़ेगा, तो जो भी ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से आंसर लीजिएगा। और इसका हेडक्वार्टर तो बता दिया हूँ वाशिंगटन DC में, इसके CEO और इसके जो चेयरमैन कौन है, तो जो सत्य नडेला, याद रखिएगा सत्य नडेला इसके वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के CEO भी हैं और चेयरमैन भी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कार्टोना का नाम एक चरित्र के नाम पर रखा गया, इनमें से वीडियोग्राम श्रृंखला में आता है, तो आपका कौन सा है, तो हेलो, डेस्टिनी, फाइनल फैंटेसी या टेबल के नाम से, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है हेलो के नाम से आपका आता है, याद रखिएगा, तो आपका वीडियो गेम की श्रृंखला है हेलो, तो इसको याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो फंक्शन इनमें से क्या है, तो कंप्यूटर को जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम CPU बोलते हैं, इस यूनिट का जो फंक्शन इनमें से क्या कहलाता है, गणना और प्रोसेसिंग करता है, डेटा डिलीट करता है या इनवाइस बनाता है या आपका कोई नहीं इनमें से, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है CPU को, तो इसमें जो कंप्यूटर के जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो फंक्शन इनमें से क्या है, तो इसका जो मुख्य जो काम होता है इसमें आपका गणना और प्रोसेसिंग करता है, CPU का मुख्य काम होता है, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन के नाम से जानते हैं, इसको कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से इसको जाना जाता है, इसके बार बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है अक्सर कंप्यूटर एग्जाम में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसको आपको याद होगा, रट गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किलोबाइट जिसे साउंड कट में KB बोला जाता है, तो किलोबाइट या KB कितने बाइट के बराबर होती है, 1024 बाइट के, 1024 मेगाबाइट के, 1024 गीगाबाइट के या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1024 बाइट के बराबर होती है, याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो किलोबाइट लगभग 1024 बाइट के आपके बराबर होती है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मेगाबाइट होता है इसको शॉर्टकट में MB बोला जाता है, तो मेगाबाइट जिसको MB बोलते हैं कितने बाइट के बराबर होती है, तो 1024 KB के, 1024 MB के, 1024 GB के या आपका 1024 TB के, जिसको लास्ट जो TB लिखा है आपका टेराबाइट इसको बोला जाता है, तो आपका 1024 KB के बराबर होता है, याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जो आपका जो मेगाबाइट होते हैं आप कितने बाइट के बराबर होता है, आपका 24 किलोबाइट के बराबर होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है, टेक्स्ट को स्कैन करना, डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना या डाटा को स्टोर करना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये लगभग देख सकते हैं यहाँ पे हम कंप्लीट यहाँ पे
1000 क्वेश्चन यहाँ पे आज हम कंप्लीट कर लिए। ये आपका लगभग इतने दिन से लगभग 1000 क्वेश्चन करना अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। ये अभी तक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैं कंप्यूटर के कराए हैं, इसके बाद आपका हिस्ट्री का आ जाएगा। तो हिस्ट्री और कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक के मैं कराया हूँ, तो आज 1000 हम अचीवमेंट कर लिए हैं। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर बुनियादी के काम नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्ट को इसको इसके अंदर कंप्यूटर के बुनियादी काम नहीं, मतलब कंप्यूटर के अंतर्गत ये वाला जो वर्क आपका नहीं होता है। टेस्ट को स्कैन करना है, ये आपका जो प्रिंटर होता है इसमें आपका जो स्कैन करने वाला जो प्रिंटर होता है उसमें होता है। बाकी डाटा को प्रोसेस करना ये कंप्यूटर के एक भाग है। इनपुट को स्वीकार करना ये अभी आपके कंप्यूटर के भाग के अंतर, या डाटा को स्टोर करके रखना ये भी आपके कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। बाकी जो टेस्ट को स्कोर करना जो है आपके इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1001 क्वेश्चन हमारा। यूनिक्स नामक जो ऑपरेटिंग जो प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है। यूनिक्स नाम को सुने होंगे, या ऑपरेटिंग प्रणाली के अंतर्गत आती है, या फिर कौन से काम में प्रयोग में लाई जाती है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में, वेब सर्वर्स में, या आपके लैपटॉप कंप्यूटर में, या आपके सुपर कंप्यूटर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वेब सर्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यूनिक्स नामक जो जो कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है, ये आपका 1969 में, याद रखिए 1969 में इसको प्रयोगशाला में जो केन थॉम्सन है, अमेरिका के इंजीनियर है, तीनों ने इस यूनिक्स को तैयार किया था लैब में। फिर 1971 में इसको पूरा विश्व भर में इसको लॉन्च कर दिया गया था, इसको याद रखिए। तो ये आपका यूनिक्स नामक जो ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है, ये आपका किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है। तो वेब सर्वर वगैरह में जो आप नेट यूज करते हैं उसके लिए आपके काम करती है, तो इसको याद रखिएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 1002 क्वेश्चन हमारा, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। कौन सी जो आपकी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपका सी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज को, या आपका बेसिक लैंग्वेज को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मशीन लैंग्वेज अभी तक के मैं बहुत बार बताया, तो मशीन लैंग्वेज आपका क्या होता है, आपके जो इंजीनियर होते हैं बड़े बड़े, तो ये जो कंप्यूटर जब बनाते हैं इसको असेंबल करने के टाइम में आपका मशीन लैंग्वेज है। आपका जो मशीन लैंग्वेज हर जो कंप्यूटर होता है बड़े से बड़े कंप्यूटर जो भाषा समझती है आपका मशीन लैंग्वेज ही समझता है। यहाँ पे देख सकते हैं सी लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज आपका हाई लेवल के लैंग्वेज है। तो इसको याद रखे जो कंप्यूटर जो भाषा समझती है आपका उसको मशीन लैंग्वेज कहलाता है। आपके यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, मशीन लैंग्वेज आपके सारे कंप्यूटर में लागू होती है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ये एक प्रकार की जो आपके लिखित भाषा भी इसको कह सकते हैं, और कंप्यूटर को यहाँ पे खास करके कंप्यूटर को बताती है कि आपको करना क्या है, ऐसे करके समझ सकते हैं, और निर्देश देने की यहाँ पे अनुमति देते हैं। जैसे आपका C++ हो गया, जावास्क्रिप्ट, ये आपके इसके अंतर्गत आती है, इसके एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बाइट से इनमें से कितने विकल्प होते हैं। एक बाइट से इनमें से कितने विकल्प होते हैं, 64, 16, 8 या 512। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक बाइट आपके लगभग 8 विकल्प है, ये आपके 8 बाइट के बराबर होता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई इनमें से क्या कहलाती है, या कंप्यूटर की जो मेमोरी की जो सबसे जो शब्द है या इकाई इनमें से क्या कहा जाता है, ये आपका बाइट कहलाती है, मेगाबाइट कहलाती है, बिट, या आपके ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद है कंप्यूटर की जो सबसे छोटी जो इकाई है जो माध्यम होती है आपका बिट कहलाती है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, पोस्ट का पूरा नाम क्या है। तो पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पोस्ट का जो पूरा नाम या जो पोस्ट होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म से एक से दो क्वेश्चन अभी तक के बार बार पूछा जाता है, तो आपका रैम रोम ये सभी का आपको फुल फॉर्म आना चाहिए। CPU को फुल फॉर्म हो गया, जितने भी अभी तक के बताया हूँ आपके सभी एग्जाम में फुल फॉर्म वहाँ से पूछा। जैसे आपका ATM का भी पूछा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन बोला, CPU सेंट्रल प्रोसेसर, ये आपको फुल फॉर्म सभी आपको याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। एग्जाम में आपसे एक से दो नंबर क्वेश्चन
पूछा जाता है। तो चलिए आज का सेशन जो है यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा। पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए थैंक यू।